सर एकदम ऐसे आना तो अजून हर नाम फैन नहीं है क्या? तो आज हम फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में, यानी सेल्स के बारे में। सेल क्या होता है ना, और जो हमारी पूरी जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है, सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल से ही बने होते हैं। सेल क्या है, हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है ना। और फिर यही सेल क्या होते हैं जी, सेल डिवाइड करके हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, है ना, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। जैसे हम कहते हैं कि सपोज हम कहते हैं कि चलो बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, तो बिल्डिंग्स कैसे बनती है जी, ब्रिक्स से बनती है। हम ब्रिक वन बाय वन ऐड करते हैं, फिर बड़ी सी बिल्डिंग बनती है। उसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है जी, वो सेल से बनी है। सेल के बारे में सबसे पहले बताया था किसने, तो सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने। उसने कॉर्क सेल में एक्सपेरिमेंट किया था अपना, है ना। उसने वहां पर सेल का स्ट्रक्चर बताया कि सेल जो स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट हुक नहीं दे पाए थे, सेल थ्योरी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाँ, पर उन्होंने इतना बता दिया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ की वो क्या है जी, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे लाइफ की वो सेल है। तो आइए अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है ना। इसके बारे में रॉबर्ट के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, जिन्होंने सेल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो थी जी स्केलेटन एंड स्टेवन। इन्होंने स्केलेटन एंड स्टेवन, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी इन्होंने क्या दी थी कि सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सेल्स से बने हुए हैं। सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उनकी पूरा बॉडी, उनका ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेन्स सब क्या है जी, सेल। बच्चों तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी क्या है जी, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी ये है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में बताया किसने, इसके बारे में बताया कि दो साइंटिस्ट थे हमारे जी, स्केलेटन एंड स्टेवन। इन्होंने बताया था सबसे पहले सेल के बारे में कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हमारे किसे, सेल से ही बने होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे बिल्डिंग बनी होती है ब्रिक से, तो बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है जी, ब्रिक होती है। देखिए जी, हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में, सेल की डेफिनेशन देखिए हमने। सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है जी, कि जो हमारी बॉडी है उसके ऑर्गन्स, उनके स्ट्रक्चर्स है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है जी, सेल है, क्योंकि सेल ही टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और हमारी बॉडी की जो फंक्शंस होती है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ ग्लूकोज की, हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सब काम होते हैं जी। इन सब का बेसिक प्लेस क्या होता है, सेल, या तो वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, है ना। तो ये कहाँ होते हैं जी, सेल के अंदर ही होते हैं। तीसरा जी हमारा हेरिडिटी यूनिट, है ना, ये क्या है जी, इसको हिंदी में कहते हैं जी हम वंश की यूनिट, है ना, कि इंसान के बच्चे इंसान कैसे दिखते हैं, इंसान के बच्चों में उसके फीचर्स इंसान जैसे होते हैं, डैड के जैसे फीचर्स होंगे, मॉम के जैसे फीचर्स होंगे, पापा की आईज अगर ब्राउन है तो बच्चे की आईज भी ब्राउन हो सकती है, मम्मा की आईज अगर ब्लू है तो बच्चे की आईज भी ब्लू हो सकती है ना। तो ये है जी हेरिडिटी यूनिट, कि अपने मदर और फादर से अब उसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो मदर फादर की सिमिलर होती है, और इंसान के बच्चे इंसान जैसे होते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है जी, सेल ही है ना, इसलिए इसको हेरिडिटी यूनिट भी कहते हैं, है ना। जैसे आप कहते ना मोनूमेंट्स का ये हेरिटेज है, वंश का निशानी है, तो वंश की निशानी क्या है, वही हेरिडिटी, सेल ही है ना। यू आर द सन ऑफ योर फादर, है ना, तो उसके लिए जो निशानी है, जो एग्जांपल है ना, वो क्या है थी? वो है आपका सेल, है ना, वही एक बेटर एग्जांपल है कि आप अपने फादर के ही सन हैं, है ना। आपके सेल्स को, उनके डीएनए को, उनको हम मैच करेंगे, जैसे मिलेंगे तो कहेंगे अच्छा ये इनका बेटा है ना। तो चलिए, तो ये थी बात सेल के बारे में कि सेल बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद इस स्टोरी को फर्दर एक्सप्लेन किया विचो ने, है ना। विचो ने क्या बताया, विचो ने बताया कि हाँ सेल क्या होता है, सेल सच में सेल जो है वो स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल जो है क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, है ना,
एक सेल जो है और कई सारे सेल को जनरेट करता है, जिसको हमने कहा सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड कर करके डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद वो बंच ऑफ सेल्स सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, कि वो सेल क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो कहां से बनता है, वो बनता है प्रिमिटिव सेल्स। शुरुआत उसकी कहां से होती है, तो प्रिमिटिव सेल से होती है। पहले एक सेल होता है, जैसे हम और आप है ना, रिप्रोडक्शन के थ्रू हम और आप जनरेट होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो कहां से, वो जायगोट से होते हैं, है ना, सेमेन से होते हैं, ओवम से होते हैं, ये भी सेल्स हैं। फिर वो दोनों कंबाइन करके जायगोट सेल बनाते हैं, वो भी प्रिमिटिव सेल है। वो फिर डेवलप होके सेल डिवीजन कर करके, है ना, फिर वो टिश्यू बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, है ना, फिर हमारी पूरी बॉडी सिस्टम बनती है, है ना। तो ये थी सेल के बारे में बेसिक बातें, कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर फंक्शन हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ है, है ना। आइए अब देखिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कई सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पूरी बॉडी उनका पूरा ऑर्गेनिज्म उनका एक ही सेल का होता है। और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है वो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, किसका, अमीबा, है ना, अमीबा हो या पैरानिशियम हो, ये क्या है हमारे, ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक बेनिफिट उनको ये है कि उनके सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है वो एक ही सेल परफॉर्म कर देता है, है ना। और हमारी बॉडी में जो है हर सेल का अपना अपना काम है, क्योंकि हर सेल किसी न किसी ऑर्गेन सिस्टम का पार्ट है, तो हर ऑर्गेन सिस्टम का अलग अलग काम है। रेस्पिरेशन कहीं के लिए कोई और ऑर्गेन सिस्टम है, डाइजेशन के लिए कोई और ऑर्गेन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए हम बात कर रहे थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना, कि जो सिर्फ एक ही सेल से बना, उसका पूरा ऑर्गेन सिस्टम जो है, सॉरी पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल का बना हो, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पर ये वेरी फ्यू है, मैक्सिमम क्या है, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो एक से ज्यादा सेल से बना हो। जैसे हम क्या है, वी द पीपल, है ना, या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज्यादा सेल से बना हो। जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे, क्योंकि हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसके लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल है, है ना, तो हमारी बॉडी में भी अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, है ना। टाइप के सेल्स का मतलब अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम्स के अलग अलग सेल्स हैं, सबका फंक्शन अलग अलग है, है ना। तो ये बात थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना। इनको हम क्या कहते हैं जी, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जिन कंपोनेंट्स से सेल मिलकर बनाता है वो क्या क्या होते हैं जी, वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उनकी बाहर की आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियस होता है, है ना, जो उसका मिडिल पार्ट होता है। उसके बाद होता है जी साइटोप्लाज्म, नहीं ये तो पहले होता है, इससे साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपको इन सब के बारे में वन बाय वन डिटेल करेंगे, है ना, पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या होते हैं इसमें। इसमें होता है एंडोप्लाज्म।